क्रॉस पहेली भाग एक, क्रॉस पजल्स पार्ट वन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि तीसरे क्रम यानी थर्ड ऑर्डर की क्रॉस पहेली को कैसे हल किया जाता है। हेलो बच्चों, आइए देखते हैं कि आज एपी और फ्रूटी क्या कर रहे हैं। फ्रूटी एपी से पूछता है, अरे एपी, तुम क्या सोच रहे हो? इतना सुनकर एपी कहता है, फ्रूटी, मैं सोच रहा हूँ कि अपू द्वारा दी गई पहेली को कैसे हल किया जाए। ये सुनकर वापस से फ्रूटी पूछता है, पहेली? लेकिन अपू ने कौन सी पहेली पूछी है? तो एपी कहता है, यह एक तीसरे क्रम का क्रॉस है, क्या तुम इसके प्रकोष्ठों यानी सेल्स को इस प्रकार भर सकते हो कि इसका ऊर्ध्वाधर योग यानी वर्टिकल सम और क्षैतिज योग यानी हॉरिजॉन्टल सम 27 हो? बच्चों, क्या आप इस पहेली को हल करने में एपी की सहायता करना चाहते हैं? बेशक, है ना? तो आप इस वीडियो को रोक सकते हैं और इस पहेली को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। आपकी तरह फ्रूटी भी पहेली को हल करने का प्रयास कर रहा है। कुछ देर के बाद तभी फ्रूटी कहता है, ये एक तीसरे क्रम का क्रॉस है, इसका ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज योग 27 है, तो हम 27 को 3 से विभाजित करके इसके केंद्रीय प्रकोष्ठ यानी सेंट्रल सेल को ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए यहाँ केंद्रीय संख्या यानी सेंट्रल नंबर 9 है। एपी, अब मैं तुम्हें बता दूं कि संख्याओं की कैलेंडर व्यवस्था कुछ क्रॉस पहेलियों की रचना करने और उन्हें हल करने का तरीका दिखाती है। एक कैलेंडर में स्तंभ की संख्या वृद्धि 7 से होती है और पंक्ति की वृद्धि संख्या 1 से होती है, तो हम 9 में से 7 और 1 घटाकर और 7 और 1 को 9 में जोड़कर इस पहेली को हल कर सकते हैं। 9 में से 7 घटाकर और 7 से 9 जोड़कर हम ऊर्ध्वाधर प्रकोष्ठ यानी वर्टिकल सेल को इस तरह भर सकते हैं। इसी तरह 9 में से 1 घटाकर और 1 से 9 जोड़कर हम क्षैतिज प्रकोष्ठ यानी हॉरिजॉन्टल सेल को इस तरह भर सकते हैं। अब तुम देख सकते हो कि ऊर्ध्वाधर योग और क्षैतिज योग 27 है। यहाँ जोड़ने और घटाने के लिए मैंने 7 और 1 का उपयोग किया है, इसलिए ये एक कैलेंडर के प्रकार का समाधान है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक बार जब हमें केंद्रीय संख्या मिल जाती है तो हम तीसरे क्रम की क्रॉस पहेली को हल करने के लिए किसी भी सुविधाजनक संख्या का उपयोग कर सकते हैं। चलो हम संख्या 4 और 3 लेते हैं। अब 9 में से 4 घटाकर और 4 से 9 जोड़कर हम ऊर्ध्वाधर प्रकोष्ठ को इस तरह भर सकते हैं। इसी तरह 9 में से 3 घटाकर और 3 से 9 जोड़कर हम क्षैतिज प्रकोष्ठ को इस प्रकार भर सकते हैं। अब हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज योग की जांच कर सकते हैं। देखो, ये 27 है। तभी एपी कहता है, अरे हाँ,
तुम तो बिल्कुल सही हो। और फ्रूटी, ये देखो, जब हम जोड़ और घटाव के लिए एक और दो का उपयोग करते हैं, तो हमें पांच क्रमागत संख्याओं यानी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स की एक अच्छी व्यवस्था मिलती है। इसका मतलब है कि हम तीसरे क्रम की क्रॉस पहेली को हल करने के लिए पांच क्रमागत संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह हम तीसरे क्रम की क्रॉस पहेली को हल करने के लिए एक योगात्मक अनुक्रम यानी एडिटिव सीक्वेंस का उपयोग भी कर सकते हैं। देखो, मैंने इसे कर लिया है और यहाँ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज योग क्रमशः 27 है। तभी फ्रूटी कहता है, बिल्कुल सही जवाब। और अभी अब तुम जा सकते हो और अप्पू को ये उत्तर बता सकते हो। तो बच्चों, अब आप भी अपने दोस्तों से इस तरह के तीसरे क्रम की क्रॉस पहेलियों को हल करने के लिए कह सकते हैं और उन्हें चौंका भी सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जल्द ही वापस से मिलते हैं।